मेरे पास छत होती, मेरे पास छत होती, मेरे पास छत नहीं। इब्राहिम कहाँ चढ़ गए बेटा, नीचे गिर गए ना, तो बस हो जाएगा काम आपका। और बड़ी धुआंधार किस्म की बारिश होने वाली। ओए आ गई आ गई आ गई आ गई, इब्राहिम आंधी आ गई बजिया। पागल हो गया, इन्होंने तो मजे ले लिए हैं, मुझे भी मजे लेने हैं, मुझे भी मजे लेने। आप कहाँ हैं? धो दी। वेलकम टू माय चैनल हीरा ली गाइस, क्या हालचाल है आप लोगों के, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। और इस वक्त मैं बना रही हूँ बच्चों का सुबह सुबह नाश्ता, क्योंकि बच्चे जा रहे हैं स्कूल। और आज इन लोगों के स्कूल में, इब्राहिम के स्कूल में ईद मिलन पार्टी है, और वजदान के स्कूल में आज अर्थ डे सेलिब्रेशन है। तो मैं सारी उनकी पैकिंग शैकिंग कर रही हूँ, नाश्ता भी बना रही हूँ। अर्थ डे से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट मैंने वजदान के लिए बनाया था, वो कल की ब्लॉग अगर आप लोगों ने मेरी देखी होगी तो फिर मैंने उसमें वो पूरा प्रोजेक्ट शेयर किया था आप लोगों के साथ। और इब्राहिम का जो ईद मिलन पार्टी का जो भी मटेरियल वगैरह था, जो उसको लंच में लेकर जाना था, जो उसको प्रोवाइड किया था सर्कुलर, तो उसके अकॉर्डिंग जो मैं लेने के लिए गई थी, वो मैं सब लेकर आई थी कल के ब्लॉग में, वो सब मैंने शेयर किया था। तो आज मैं उसकी प्रिपरेशन करके उन लोगों को लेके भेज रही हूँ, तो वो सब मैं अभी आपसे शेयर करती हूँ। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई इंतजार ना करो, जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। तो आज है इब्राहिम के स्कूल में ईद मिलन पार्टी, और उसके लिए ये लेकर जा रहे हैं आज बिरयानी, जो कि मैंने अपने कल के ब्लॉग में दिखाया था आप लोगों को, हम लोग लेने के लिए गए थे। ये है चिकन टिक्का बिरयानी। और स्कूल वाले ने कुछ बैलून्स भी मंगाए थे, वैसे इब्राहिम उन्होंने 10 बैलून्स मंगाए थे, लेकिन मैं 10 नहीं दे रही। ये कितने हैं? 3। अरे सर, ये हर ईच स्टूडेंट से जो है उन्होंने 10 मंगाए होंगे, पता नहीं, ले लेके मटीरियल रख लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 बैलून्स हैं। नहीं वो सही है, लेकिन स्कूल वालों को एटलीस्ट जो है वो डेकोरेशन तो खुद करनी चाहिए। और वजी के स्कूल में आज अर्थ डे है, तो उसका प्रोजेक्ट जो मैंने कल बनाया था उसके व्लॉग भी बनाई थी, ये वो है। वजी कितना अच्छा बना है ना, इट लुक्स गुड। गर्मी तो बहुत हो रही है, लेकिन मौसम जो है वो अच्छा हो रहा है, क्लाउडी वेदर हो रहा है, हो सकता है कि बारिश हो जाए। और वजदान ने ब्लू वेयर किया है क्योंकि अर्थ डे है आज, अर्थ डे है ना, तो अर्थ डे पर ब्लू वेयर करना था। और भाई ने अपने तमाम खाने पीने के चीज़ें ले ली हैं, और ये लोग जा रहे हैं, आज इनका एक्टिविटी डे है। बच्चों को मैं स्कूल जो है वो ड्रॉप कर आ गई हूँ, और अब मैं करूँगी थोड़ी सी देर काम एडिट, और थोड़ी सी देर सोऊँगी, और उसके बाद जब उठूँगी तो बच्चों को पिक करने के लिए जाऊँगी। तो मिलूँगी मैं आप लोगों से थोड़ी देर के बाद। तो अभी मैं बच्चों को स्कूल से पिक करने के लिए जा रही हूँ, और ऑटो वाले अंकल जो आके बाहर खड़े हो जाते थे, उन्होंने धोखा दे दिया और वो आज नहीं आए हैं, और मैं बहुत लेट हो गई हूँ। अल्लाह करे मुझे कोई रक्षा मिल जाए। बच्चे कहेंगे मम्मा जो देर से आई हैं। देर हो गई ना, थोड़ी सी देर हो गई। हाल बुरा हो गया आपका, तो गए तो इतने तैयार हो गए थे, खेलना था ना बहुत, इतने तैयार होके गए थे दिखाने से। क्या हाल हो गया भाई, इसका लुक देख लें। सुबह आपने कोई पिक्चर्स भी नहीं निकलवाई थी यार, इब्राहिम ऐसा लग रहा था, इब्राहिम ने कोई पिक्चर्स नहीं निकलवाई थी। इब्राहिम को सुबह बहुत जल्दी होती है, बस मैं पहले पहुँचाऊँ, सबसे पहले जाना होता है इसको। ओ होए होए, और पास्ता वजदान को मत बताना, वजदान को बताओगे तो रोएगा। ये भी खाया है भाई ने, ये भी खाया है। क्या बनाया है? वेरी नाइस, बहुत अच्छी लग रही है। तो भाई बहुत ही कोई आला किस्म का वेदर हो रहा है आज हमारे शहर हैदराबाद के अंदर। और मैं आपको बताऊं कि सुबह जो मैंने व्लॉग बनाई थी, जब मैं बच्चों को स्कूल ड्रॉप करने के लिए जा रही थी, तो मैंने आप लोगों को कहा था कि क्लाउडी वेदर हो रहा है, हब्स है, तो रेन एक्सपेक्टेड है। हुआ कुछ यूँ कि जब मैं बच्चों को वापस पिक करने के लिए जा रही थी, तब भी जो है वो बड़ा ज़बरदस्त कोई आला किस्म का मौसम हो रहा था। वैसे हवा इतनी नहीं है, पर ऐसे काले बादल हो रहे हैं। और अभी इस वक्त बज रहे हैं, क्या टाइम हो रहा है, 3 बज रहे हैं, 3 बजे का टाइम है, और भाई काले, शदीद काले वाले बादल हो रहे हैं यार। मैं हमेशा जब भी ऐसे मौसम के ब्लॉग बनाती हूँ तो मैं कहती हूँ यार मेरे पास छत होती, मेरे पास छत होती, मेरे पास छत नहीं है। आप लोग मेरे लिए दुआ करें, मैं ऐसा घर ले लूँ जहाँ मेरे पास छत हो,
आई लव छत कि भाई बंदा एंजॉय तो कर सके, लेकिन इनको अब बारिश हो रही हो तो मौसम को, वेदर को, बारिश को एंजॉय कर सके सही तरह। भाई हम छत पे चढ़ कर मजे तो ले सके। देख सकते हैं आप कि कुछ अंधेरा अंधेरा आप लोगों को नजर आ रहा होगा, इट मीन्स कि ये काले काले बादल हैं भैया, जबरदस्त। उधर से देखें बिल्कुल, मुझे लगता है पहले वहीं से बरसेंगे। मेरी खिड़की का व्यू है किचन की, और वहाँ हाँ भाई ये देखिए पत्ते हिल रहे हैं, ठंडी ठंडी हवाएं चलनी स्टार्ट हो चुकी हैं, इट मीन्स कि अभी आंधी आएगी, उसके बाद ये तमाम बादल जो हैं वो बड़ी ज़ोरों शोर से बरसेंगे। ज़ोरों शोर से तो बरसेंगे ही, क्योंकि इंतहाई काले बादल हो रहे हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को दिखाया, उस साइड से भी ब्लैक हो रहा है, इस साइड से भी ब्लैक हो रहा है, और उस वाले साइड से तो बहुत ही ब्लैक हो रहा है। मैं बच्चों को वादा दे रही हूँ कि भाई आओ देखो आंधी आने वाली है, जल्दी जल्दी आओ, मौसम देखो बिल्कुल काला हो रहा है आसमान। तो उनको कोई परवाह ही नहीं है अपने टैब और मोबाइल का, उनका टाइम है अभी, लिमिटेड टाइम उनको मिलता है तो वो लगे हुए उसके अंदर। अभी जैसे ही बरसेंगे ना फिर बाहर निकलेंगे, फिर ऐसे निकलेंगे कि बस फिर अंदर ही नहीं आएंगे, फिर पकड़ के लाना पड़ेगा। इब्राहिम बजदान, बारिश होने वाली है, जल्दी आओ आंधी आ रही है। नहीं भाई इनके कान पे तो जूं तक नहीं रेंग रही, आ जाओ भाई। यार कह रहे क्या मसला है यार, बाबा नहीं है यार, बाबा होते ना अपन कहीं निकल पड़ते यार। इब्राहिम कहाँ चढ़ गए बेटा, नीचे गिर गए ना, तो बस हो जाएगा काम आपका। देखो कैसा मौसम है, कैसा है, बहुत है ना, बहुत काला, वैसे तो गोरा होता है, वैसे तो बहुत धूप होती है, जैसे सूरज ग्रहण होता है ना बिल्कुल, आप सन जो है वो बिल्कुल नजर नहीं आता और काला आसमान हो जाता है पूरा। बस मैं तो यहाँ खिड़की में बैठ के नज़ारे कर सकती हूँ। लाइट चली गई है भाई, लाइट उड़ गई है क्योंकि आंधी का सीन हो चुका है और लाइट गई, अब पता नहीं कब आएगी। अभी एक बूंद भी निकली है और बड़ी धुआंधार किस्म की बारिश होने वाली है यार। मैं कितनी बेबस हूँ, बेबस ही पता है गाइस किसको कहते हैं, इसको कहते हैं, मतलब कि मैं यहाँ विंडो पर बैठी हुई हूँ और बस नज़ारे कर रही हूँ। ओए होए होए, मिट्टी उड़ना शुरू हो चुकी है, आंधी आ रही है, चलो भाई खिड़कियाँ खिड़कियाँ बंद करो। ओए आ गई आ गई आ गई आ गई इब्राहिम, आंधी आ गई, बच जाओ। ओ भाई आंधी आ गई, आंधी आ गई, यार मैं कैसे निकलूंगी यार, मैं बारिश कैसे एंजॉय करूंगी। अली गाइस देखें, ओ भाई साहब, ओए होए होए होए, आप लोग देख सकते हैं आंधी आ चुकी, हुई हुई बहुत मिट्टी उड़ी है, बहुत मिट्टी उड़ी है। वाह वाह, ये देखें अंकल अपना मुंह छुपा रहे हैं क्योंकि इनकी आंखों में मिट्टी जा रही है। और देखें क्या क्या भाई, वजी कह रहा है ड्रॉप्स गिरना शुरू हो गए, रेन ड्रॉप्स, और वो कह रहा है बूंदाबांदी शुरू हो गई है। जी बाहर कहाँ निकल गए, अंदर आओ, और ये बाहर निकल गया है। वजी आंधी आ रही है, मजे ले रहा है इसको नहीं समझ में आ रही, अब इसको पकड़ के लाना पड़ेगा। जब बारिश होती है ना तो ये बाहर अंदर ही नहीं आता, फिर इसको ज़बरदस्ती पकड़ के लाना पड़ता है। और बाकी सही कह रहा है, देखिए बूंदे भी गिर रही हैं, मैं आपको दिखाऊँ, ये देखें हमारी पार्किंग के अंदर जो है वो बूंदे गिरनी शुरू हो चुके हैं तेज़ हवाओं के साथ, तेज़ तूफान के साथ बारिश। ओए होए आंधी तूफान तेज़ हो रही है, अंदर आ जा बजी। देखें भाई तूफान चेक करें, ओए होए होए, ठंडी ठंडी हवाओं के साथ तूफान चेक करें, तूफान चेक करें, ओए होए होए होए, आ गए अंदर। मेरा घर मिट्टी से भर चुका है, आप पूरे मिट्टी मिट्टी हो गए होगे। देखें बजी बारिश में मज़े ले रहा है बाहर खड़ा हुआ, बारिश तेज़ हो चुकी है, अभी कुछ ड्रॉप गिरे थे, ये देखें पूरा जो है वो पार्किंग गीली हो चुकी है, बहुत तेज़ तेज़ बारिश हो रही है। और ये अंकल अपनी मुर्गी पकड़ रहे हैं, इनकी कंट्रोल में मुर्गी नहीं आ रही। भाई मैं अपनी खिड़की से नीचे उतरूँ, आए हाय हाय बाहर के नज़ारे करूँ, पूरा मट्टी मट्टी हो चुका है मेरा फ्लोर, और मुझे खूब पोछे सोचे लगाने। देखें हमारा बज्जी जो है बाहर खड़ा होकर नहा रहा है भाई, ये बारिश, ओ भाई आला आला किस्म की बारिश। ग्लासेस ऊपर करो बजदान, आला तूफान आया है, क्या आला बारिश हो रही है, मजा आ रहा है। गीले हो गए आप तो पूरे, हाँ बाल गीले हो चुके हैं, आंधी नहीं चल रही बेटा, बारिश हो रही है, एयरपोर्ट्स गीले हो जाएंगे, आप विद एयरपोर्ट्स आ चुके हैं बाहर। ओए होए होए, तेज़ बारिश भाई तेज़ बारिश, मुझे भी नहाना है और क्या है यार, मैं नहा क्यों नहीं सकती, मैं क्या करूं भाई। वाह और ये आंटी बेचारी पूरी नहा चुकी हैं बारिश में,
इन्होंने तो मजे ले लिए हैं, मुझे भी मजे लेने हैं, मुझे भी मजे लेने हैं, मुझे भी मजे लेने हैं। वाह 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 वाह। और भाजी कह रहे हैं अनएक्सपेक्टेड ड्रेन पार्ट टू। मेरी एक मैंने एक वीडियो बनाई थी, वो अनएक्सपेक्टेड ड्रेन हुई थी, तो जो है वो बड़ी ज़बरदस्त वीडियो बनी थी। तो अब ये वजदान जो है वो उसको दोबारा रेन एंजॉय करने का मौका मिला, तो ये कह रहे हैं अनएक्सपेक्टेड ड्रेन पार्ट टू। पागल हो गया ये, पागल हो गया, पागल हो गया, पागल हो गया। अरे भाई भाई साहब, आप तो पूरे नहा लिए भाई, ये देखिए इसका हाल, बस पूरे चेजे लेता है बारिश के। आखिरी ड्रॉप तक नहीं निकलेगा ना, जब तक नहीं गिर जाएगा, जब तक ये अंदर नहीं आएगा। यार वजी, मुझे भी नहाना है, कैसे? कह रहे शॉल पहन के नहा ले, दुपट्टा पहन के नहा ले, दुपट्टा रुपट्टा दुपट्टे को रुपट्टा कह रहे। बायलों में लगे हुए और दुनिया बाहर नहा रही है, इतनी ज़बरदस्त बारिश हो रही है। आपके मोबाइल ही नहीं ख़त्म हो रहे, ये देखो इनको हमटी डमटी। तो आयत आई है ना मेरे घर, है ना भाई आयत, कैसी हो भाई? मैंने आपको नेल पॉलिश दिया, आपने मुझे ही नहीं दिखाई, गिफ्ट दी थी मैंने आपको। शूज तो बहुत क्यूट लग रहे हैं, आप अंदर पहन कर आ गई? अंदर नहीं पहन कर आते, ये गंदी बच्ची हो। अच्छा मुझे दिखा तो दे, बहुत क्यूट लग रहे हैं, खोल के दिखाओ, पाँव सीधा रखो। वाओ आपके पाँव तो बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हैं, दिखाई का तरह। ओ वाओ आयत, आई है नीचे से तो गंदे हो रहे हैं। दिखाओ तो सही, पाँव पे तो नेल पॉलिश लगाई है, हाथ पे नहीं लगाई, दिखाओ दिखाओ दिखाओ। और बैंगल्स भी पहनी है, मेहंदी कौन गई? ये तो बिल्कुल लाइट हो गई, डार्क का है, धो दी, धोई क्यों आपने? और मुझे आपने ईद पे तैयार होके भी नहीं दिखाया, क्यों नहीं दिखाया, कहाँ जा रही है? अच्छा बताओ। सो गाइज, आज बहुत मज़ेदार हमारे शहर में बारिश हुई और हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया, वजदान ने इन्जॉय किया क्योंकि यही नहाया, हम तो नहा भी नहीं सके। और इब्राहिम तो मोबाइल में ही लगा हुआ था, और आज आयत आई थी हमारे घर, हमने उसके साथ बहुत फ़न किया। तो अपनी ब्लॉग का मैं यहीं करती हूँ, अगर आपको मेरी आज की ब्लॉग जो है वो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं कल के ब्लॉग में इंशाल्लाह, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।